स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी फिलहाल मैं जोधपुर रेलवे जंक्शन पर हूं और आज हम लोग जोधपुर से जयपुर के बीच ट्रेवल करने वाले हैं और ट्रेन नंबर है 20814 जो कि पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो एवरी सैटरडे दोपहर के 3 बजे जोधपुर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलती है और तीसरे दिन सुबह सुबह 10 बजे पूरी जंक्शन पहुंच जाती है और डिस्टेंस लगभग 2414 किलोमीटर ट्रेवल करती है और 40 स्टॉप कवर करती है। क्योंकि ये ट्रेन हफ्ते में एक बार है तो इसी वजह से इस ट्रेन के अंदर थोड़ा बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, बट मुझे ऊपर वाला एक सीट मिल गया है और आज की जर्नी हम लोग जनरल क्लास में करने वाले हैं। और ट्रेन आने से पहले ही लोग इस तरह से भागा दौड़ी करते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना होता है। भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेन रुकने के बाद ही ट्रेन के अंदर बोर्ड करना चाहिए और सीट लेनी चाहिए। मैंने अपना बैग वहाँ पर रख दिया है, वो मेरी सीट है और जो अंकल जी खाना खा रहे हैं इनको मैंने बैग की रखवाली का जिम्मा दिया है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं जब बोगी के अंदर जाऊंगा तो अपने बैग की रखवाली मैं खुद करने वाला हूं। मेरा चैनल यस्टरडे ब्लॉग, सर्च करो यस्टरडे ब्लॉग। तो टाइम हो गया है 3:12, पूरा 12 मिनट ट्रेन है ना लेट खुली है जोधपुर जंक्शन से, और जोधपुर से जयपुर की दूरी लगभग 310 किलोमीटर है और इस 310 किलोमीटर में हम लोग जोधपुर से कहें नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है मेड़ता रोड, उसके बाद में मकराना, डेगाना, फुलेरा, उसके बाद में 7:15 में जयपुर आने वाला है। जयपुर में उतर कर हम लोग हाथों हाथ दूसरी वाली ट्रेन है 8:15 पर वो पकड़ कर 2 बजे रात तक वापस हम लोग जोधपुर आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने मेड़ता रोड क्रॉस किया है और यहाँ पर स्टॉप था 2 मिनट का और इसका स्टेशन कोड है MDT और मेड़ता रोड में टोटल प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और यहाँ पर लगभग रोजाना 20 से 25 ट्रेन गुजरती है। क्या चाहिए?
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मकराना और यहाँ पर स्टॉप है 2 मिनट का। ऑलरेडी देखो हॉर्न, ट्रेन ने जैसे उतरा वैसे ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है। तो मकराना मार्बल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। हाँ, ये मकराना जंक्शन है, मकराना के लोग हैं आप। ये ट्रेन में आज बहुत भीड़ है अभी। क्या जब मार्बल के बारे में बताओ ना आप कुछ। यहाँ पे मार्बल बहुत ही महंगा मिलता है, जो संगमरमर है ना, संगमरमर नगरी नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अच्छा। और जो ताजमहल में जो स्टोन है, जो राम भूमि जन्मभूमि में, वो यहाँ का मार्बल। यहाँ का मार्बल यूज हुआ है, यहाँ का मार्बल। ट्रेन रवाना हो रही है। Yesterday vlog. Yesterday vlog. पक्का आएंगे भैया, 100% आओगे दोस्त। तो प्लान में कुछ चेंज है, अभी मैं जयपुर तक जाने वाला था, बट जयपुर से वापसी में जो ट्रेन पकड़ने वाला था ना, वो बहुत 2-3 घंटे लेट चल रही है। तो मुझे वापस जोधपुर पहुंचते पहुंचते लगभग 3 से 4 बज जाएंगे सुबह। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना लेट हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉप फुलेरा में मैं उतर जाऊँगा, और उधर से रणथंभौर एक्सप्रेस आ रही है जो कि वो भी 1 घंटे लेट चल रही है। तो उस वाले ट्रेन में बोर्ड करूँगा और लगभग तकरीबन 1 बजे या फिर 1:30 बजे मैं वापस से जोधपुर पहुँच जाऊँगा। तो ये प्लान में चेंजेस है, सॉरी कि आपको मैं जयपुर तक नहीं ले जा पाया। फिलहाल अगली बार ज़रूर जयपुर तक जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने मकराना जंक्शन से डिपार्चर कर लिया है। यहाँ पर स्टॉप था 1 मिनट का। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने डिबोर्ड किया और कुछ लोगों ने ट्रेन में बोर्ड किया, और भीड़ वैसे का वैसा देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मिलते हैं आपको फुलेरा जंक्शन में। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं फुलेरा जंक्शन पर, और ऑलमोस्ट 7:12 पर हम लोग फुलेरा जंक्शन पहुंच गए थे। 20,814 पूरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतारा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरा, मैं स्टेशन से बाहर गया और वहां पर मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली है, जैसे कि अमरूद ले लिए, संतरा ले लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। वो लेकर वहीं स्टेशन के बाहर बैठ के मैंने खाया, और वापस समय रेलवे जंक्शन के अंदर आ चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा हूँ, और ये वीडियो यहीं तक था। वैसे मैं ये जर्नी जयपुर तक करना चाहता था, बट ट्रेन की टाइमिंग की इधर उधर होने के कारण ना मैं फुलेरा तक ही ये जर्नी रखा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी दिखती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझको अगले वीडियो से सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, दूसरा वीडियो फुलेरा जंक्शन से जोधपुर जंक्शन तक का होने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।